हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आज है गीर संक्रांति, और मैं आज गीर संक्रांति से रिलेटेड बनाऊंगा। हमारे यहाँ तो गीर संक्रांति को गीत त्यौहार भी कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर गीर संक्रांति के दिन घी ना पियो तो घड़ियाल बन जाते हैं। तो जैसे कि आज घी संक्रांति, और घी संक्रांति से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। यार, हमने इस पेड़ से, इस अखरोट के पेड़ से अखरोट गिराए, तो अभी अखरोट जमा करते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि हमने ऊपर से अखरोट गिराए थे और ये नीचे पे आ रखे अखरोट, तो अभी हम इनका ऐसा करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे और उसके अंदर से ऐसा अखरोट निकलेगा। अभी दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि हमने इसको, हम लोग इसको ऐसे करके तोड़ेंगे, फिर इस बक्खल के अंदर से ये अखरोट निकल के आएगा। तो सारे अखरोट ढूंढ के, ऐसे करके उखाड़ के ढूंढ के लाता हूँ, तो फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस, मैंने इतने अखरोट जमा कर दिए, अकेले जमा किए ये। अब मुझे बहुत थकाई हो गई, तो आगे का वीडियो को बढ़ते हैं। अगली चीज़ क्या होती है, और इन अखरोटों के अंदर आप लोगों को बता दूं, जो ये अखरोट होते हैं इनके अंदर घी संक्रांति के बाद इनके अंदर घी आ जाता है कहते हैं, मतलब ये खाने लायक हो जाते हैं। और हमने ये छत पे लौकी उगा रखी है, लौकी की बेल, और हमारी लौकी देखो लग रखी है, लौकियाँ ये छत पर आ रखी है बेल। ये पेड़, पेड़ से आई बेल ये छत पर आ रखी है, और यहाँ पर हमारी तीन लौकियाँ, चार लौकियाँ लग रखी है। तो आगे को दिखाता हूँ। तो गाइस, ये हमने पिनालू उगा रखे हैं, जिसे पहाड़ी भाषा में पिनौ भी कहा जाते हैं। तो घी संक्रांति के दिन से इसे खाना शुरू कर देते हैं। ये उगाए हैं, जो खुद बे खुद उगे रहते हैं उनको भी दिखाता हूँ, जो उगाए रहते हैं उन पर देखो हल्का हल्का बैंगनी कलर है, और जो खुद उगे रहते हैं उनको भी दिखाता हूँ। तो गाइस, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसकी ये तना हरा कलर का है, जबकि वो बैंगनी कलर का था। ये खुद ही उग रखे हैं। तो गाइज, मैं इसे तोड़ के आ गया हूँ, और इसे काटते कैसे हैं, फिर क्या क्या, कैसे इसको बनाया जाता है वो भी दिखाता हूँ। तो गाइज, मैंने इसके पत्ते को अलग करके और एक कटोरी में काट दिया है, जो इसका बचा हुआ पीस था वो दिखाता हूँ। तो गाइज, ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, जिन्हें गाबे भी कहा जाता है पहाड़ी में, और जो भट्टे होते हैं उन भट्टे को पीस कर फिर इनको सुखाया जाता है, इनको उनके ऊपर पे डाल देते हैं। इनको सूखने में लगभग 2-3 दिन लग जाते हैं। फिर भट्टे पीस कर भट्टे की सब्जी बनाकर फिर इनको डालकर, उस सब्जी का नाम होता है भटिया, जो बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। आप देख सकते हैं इनको छोटे छोटे पीस में काट रखे हैं मैंने इनको, ये तो। और आगे को भी दिखाता हूँ। और इनका सीजन अब
घी संक्रांति के दिन से शुरू हो जाते हैं, इनको खाना शुरू कर देते हैं घी संक्रांति से। तो गाय जी है मक्का, और मैं इसको छिल के दिखाता हूँ। तो गाय जी मैंने इसे थोड़ा सा छिल लिया है, जो कि इसे घी संक्रांति के बाद खाना शुरू कर देते हैं, और इसे गैस पर भून के टेस्टी होता है, लेकिन कोयले पर भून के बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ट्राई करिएगा कोयला पर भून कर, मक्के को कोयले पर भून कर खाना, बहुत टेस्टी होते हैं। तो वीडियो पर बने रहे, मैं आगे को और दिखाता हूँ। आज हमने बिरूड़े भी गा रखे हैं, जैसे कि इसमें एक तारा दाद आ गया, और हमने इसके ऊपर पे दो माल्टी भी लगा रखे हैं, और ये हमने पीतल की डिक्ची में लगा रखे हैं ये, और इसके चारों साइड गोबर लगाया जाता है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके आसपास गोबर लगाया जाता है, और उसमें धूप लगाई जाती है, पांच तरफ गोबर लगाया जाता है, और जिस दिन गमराई होती है उस दिन इसे बनाया जाता है और खाया जाता है। तो मैं इतना ही बताना चाह रहा था, तो आगे को देखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय। और अगले ब्लॉग में गमले के बारे में दिखाऊंगा, तो बाय।